भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। एक पार्थेश्वर लिंग का वर्णन किया जो मिट्टी में से लिंग निर्माण होते हैं ना, ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से, शूद्र काली मिट्टी में से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप निर्माण करे, उनको कहा गया पार्थेश्वर महादेव। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है जो पार्थेश्वर पूजा है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। भगवान महादेव के मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होते हैं उनको पार्थेश्वर महादेव कहा है। जो कोई नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनकी कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं कि रोज भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें, मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर पीठ निर्माण करें, भगवान महादेव का आह्वान करके शिव पूजा करें। शिव पूजा करने के बाद वो पार्थेश्वर महादेव का मिट्टी का जो लिंग है सरोवर में, सागर में, जलाशय में अथवा कोई बिलवृक्ष के कहरे खामने में वो अर्पण कर देते हैं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव लिंग और जितने लिंग उतने पीठ बनाने पड़ती हैं। ऐसा नहीं एक लिंग बनाओ एक पीठ बनाओ, जरूर हो सकता है। एक लिंग बनाओ मिट्टी में से, नीचे पीठ बनाओ मिट्टी में से, और छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आजू बाजू में आप रख दो, उनको मणिलिंग कहा गया है। ऐसा कर सकते हैं आप, उसको मणिलिंग की मान्यता दी है। एक यंत्र लिंग भी है, ये मिट्टी में से लिंग बनाकर यंत्र बनाते हैं, ये यंत्र पूजा होती है। इसमें अलग अलग बहुत सारा विधान पार्थेश्वर महादेव की पूजा का है। लेकिन ये सब आपको याद न रहे, ये सब आपसे व्यवस्था न हो सके, तो बहुत सरल में पार्थेश्वर महादेव की पूजा का एक विधान देखाऊं। आपके आंगन में जो बिलवृक्ष होगा, जो हो तो जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उसका आंगन आंगन नहीं, उनका आंगन सभी तीर्थों का प्रतीक है। ये बिलवृक्ष की महिमा है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। महादेव स्वरूपम बिलवृक्ष, बिलवृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है, इसलिए बिलवृक्ष को कभी सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए। तो उसके नीचे जब मिट्टी रहती है कहरे खामने में, तो इस मिट्टी का लिंग एक सुंदर बना लो, ऐसे यही मिट्टी, और वहां ही वहां सुंदर एक पीठ बना लो, बस यही मिट्टी वही मिट्टी से, और उस पर जलाभिषेक कर दो तो बिलवृक्ष को भी जल अर्पण हो जाएगा, और मिट्टी का लिंग जो निर्माण हो उस पर जलधारा करो तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो जाएगी, और विसर्जन करने की कोई बात नहीं रही, वहां ही विसर्जन हो जाएगा। ये भी ना हो सके तो आपके आंगन में तुलसी हो, तुलसी का सुंदर कहरा हो, तुलसी का सुंदर खामना हो, तो तुलसी के कहरे में, खामने में, कुंडे में मिट्टी रहती है, यही मिट्टी का लिंग निर्माण करो। धीरे धीरे हाथों हाथ से सुंदर एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ और नीचे छोटी सी पीठ बना लो और उसको कर दो जल अर्पण। आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा। तुलसी को भी जल अर्पण हो गया और पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी होगी। और तुलसी के आगे पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे आंगन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही 11 ब्राह्मणों को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये न हो सके तो 5 ब्राह्मण को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। शिव महापुराण में पार्थेश्वर पूजा का विधान है, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव। 5 ब्राह्मण न मिले तो 3 ब्राह्मण, 3 न मिले तो 2 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण न मिले तो 1 ब्राह्मण, पचे आधा नहीं मिलता कहीं जगह पर। एक विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उसके द्वारा विधिवत पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, उनकी बहुत महिमा है। ये श्लोक शिव पुराण का है, जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे वो सभी श्राप में से मुक्त हो जाएगा। किसी का श्राप आपको लगा है, ये श्राप मुक्त हो जाएगा। दक्ष महाराज ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया था ना, आपको क्षय रोग हो, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा चंद्र को, चंद्र को कहा चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। तो ब्रह्मा का वचन सुनकर वो दक्ष दिया हुआ श्राप चंद्र
प्रभास तीर्थ में पधारे और प्रभास तीर्थ में सागर के किनारे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की, जो चंद्र को क्षय रोग में से मुक्ति मिली और हम सबको क्या मिला, ज्योतिर्लिंग मिला, जिनको कहते हैं सोमनाथ महादेव।